तो भाई यार ये टैली को हो क्या गया है यार। अभी टैली वालों ने टैली 4 लॉन्च किया था, उसमें डैशबोर्ड, व्हाट्सएप और एक्सेल टू टैली जैसे फीचर्स, बड़े बड़े फीचर्स दे दिए थे, और अभी टैली 4.1 में इतने बड़े बड़े फीचर फिर से इन्होंने दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीक आपको टैली 4.1 मिलने वाला है, और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से बड़े फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जिससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों आ गया है टैली 4.1, बहुत ही जल्दी आप लोगों को भी मिलेगा चलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो आप लोगों के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे इस टैली के आने से। तो दोस्तों अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ नियम चेंज किए हैं MSME को लेके और ई कॉमर्स वालों को लेकर। तो दोस्तों ये टैली प्राइम 4.1 खास MSME और ई कॉमर्स को लेकर ही है। तो चलिए देखते हैं टैली 4.1 के खास फीचर्स को और जानते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को और कैसे ऑपरेट करना है MSME ऑपरेटर्स को। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को लेके टैली में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे नियम चेंज किए हैं। आपके जो GST रिपोर्ट्स है, GSTR 3B में भी उन्होंने चेंजेस कर दिया है। GSTR 14A 14B करके एक नया चीज ऐड हो गया है। तो आपका GSTR 1 में सेक्शन 14A ऐड हो गया है। यहाँ पे आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर डालना पड़ेगा, यानी कि आपका अगर अमेजोन के ऊपर सेल है या आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर, मिंत्रा के ऊपर, कहीं पर भी आप सेल करते हैं ई कॉमर्स का, तो आपको उसका GST नंबर अभी डालना यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है। आपको 14A में उस चीज़ को डाल के देना पड़ेगा, और उसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने टोटल कितना सप्लाई किया हुआ है और कितना आपका टोटल IGST बन रहा है या CGST बन रहा है, सेस वगैरह है वो कितना आपका टोटल बन रहा है। तो ये दोस्तों GSTR 1 में सेक्शन 14A ऐड हो चुका है। अब इसमें दोस्तों आपको 14B में अंडर सेक्शन 9 के तहत क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, क्या आपका सेल हुआ, यहाँ पे भी आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर वगैरह डाल के रखना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे 3B में भी सेक्शन 3.11 में चेंजेज हो गया है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। तो अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपकी क्या सप्लाईज है। अब दोस्तों टैली में क्या चेंजेज हुआ है चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ में आपका 14A चेंज हो गया है, इसमें B2B B2C वाले रिपोर्ट्स जो है वो आपको अलग टाइप के निकल जाएंगे, और इसमें जो एक GST समरी ई कॉमर्स वालों के लिए अलग से भी आप जनरेट कर सकते हैं। आपके जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर आप सेल करते हैं उसका एक GST समरी भी अलग से जनरेट हो जाएगा, उसमें आपका टैक्सेबल और टैक्स वैल्यू दोनों भी शो करेगा। तो अब दोस्तों ये मेरे सामने में है GSTR 1 रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR 1 रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको साइड में चेंज व्यू करके लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें रिटर्न व्यू में आपका B2C B2B ये सभी चीजें तो आ रही हैं जो पहले जैसा आती थी। यहाँ पे आपका नीचे में B2C स्मॉल इनवॉइस, जैसे आपका 3 स्टेट का 45 इनवॉइस दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको चेंज व्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, उसमें आपको चले जाना है ताकि आप अलग से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकें। अब जैसे आप चेंज व्यू में जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर में ई कॉमर्स रिपोर्ट्स करके आपको मिल जाएगा। ई कॉमर्स रिपोर्ट में जाने के बाद में दोस्तों आपने जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के GST नंबर वगैरह आपने डाल के रखे होंगे, अपडेट करके रखे होंगे, उनका GST नंबर, उनका पार्टी का नेम और कितना सप्लाई है उनको, कितनी टैक्सेबल सप्लाई है, कितना IGST लगा, कितना CGST लगा, यानी कि जो चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए, जो चीज़ें अपडेट हुई हैं गवर्नमेंट के GST पोर्टल पर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाने वाली हैं। तो इससे दोस्तों ई कॉमर्स वालों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता था कि उन्होंने कितना टोटल सप्लाई किया, क्या किया, फिर उसके बाद वो TCS रिपोर्ट से मिलाते थे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स से मंगा के। तो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। आप अपना एंट्री करिए, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, आप इससे रिकनसाइल भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको कितना दे रहा है, कितना वो TCS सबमिट कर रहा है। उसके बाद फिर दोस्तों किसी एक पार्टी का, जैसे अमेजोन का डिटेल ओपन करेंगे तो उसके अंदर में जो भी वाउचर्स अपने डले हुए हों, चाहे सेल हो, डेबिट क्रेडिट नोट हो, कोई सा भी वाउचर हो, जो भी आपने उसके अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर में जो भी एंट्री करके रखा हुआ है, सारा का सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें भी आपको एक समरी टाइप का दिखेगा, यहाँ पे जैसे अपना वाउचर नंबर आ गया, उसमें टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसका, IGST CGST क्या है, सेस वगैरह क्या है उसका, कुछ भी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट में दिख जाएगा एक बार एंटर करने से। तो ये सभी रिपोर्ट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपना एक्सेल में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, अलग से GST पोर्टल पे जाके उसको चेक करके सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों ई कॉमर्स से रिलेटेड जो नया अपडेट आया है टैली 4.1 में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं MSME से रिलेटेड क्या अपडेट हुआ है। MSME का काफी अच्छा अपडेट है, काफी बढ़िया चीज इन्होंने निकाल के दे दिया है।
तो पहले तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो लोग एमएसएमई के अंदर में रजिस्टर्ड हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको अपना एमएसई नंबर कहाँ डाल के रखना है। तो इसमें टेली 4.1 में यहाँ पे F11 में जाने के बाद में मोर डिटेल्स में जाने से यहाँ पे अपने को एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप और नंबर अपडेट करके रख देना है। तो आपका स्मॉल है, मैक्रो, मीडियम जो भी है, और उसका डेट कब से इफेक्टिव रहेगा, जैसे अपन जीएसटी डिटेल डालते हैं सेम वैसा ही टाइप का ये भी है दोस्तों। उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब आपका एमएसएमई डिटेल डल चुका है कि अब आप जो भी बिलिंग करेंगे, जो भी आप बिल काटेंगे, उसमें आपका एमएसएमई नंबर पार्टी के पास जाएगा, उसको पता रहेगा कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, वो आपको टाइमली बिल पेमेंट वगैरह कर देगा। और यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और रिसीवल में जाके देखें तो यहाँ पे आपका रिसीवल का डिटेल भी मिल जाएगा। इधर पेंडिंग बिल्स जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बेसिक ऑफ वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ बिल्स इंक्लूड पोस्ट डेटेड वाउचर्स करके है, तो इसमें टाइप ऑफ बिल्स में जाके यहाँ पे आप बिल ड्यू अपकमिंग डेज करके सर्च कर लेंगे। और यहाँ पे आपका जैसे 45 डेज का रहता है टर्म, तो आप 45 डेज डालेंगे, कितने बिल्स आपके 45 डेज वाले हो गए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। इतने बिल्स हैं, इतने पार्टीज के बिल्स हैं जो पेंडिंग है, 45 डेज हो चुका है ऑलरेडी, आपको इसके पैसे को अभी कलेक्ट करना है कस्टमर से। और बाकी इसको F12 करके आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह, बाकी भी डिटेल्स आप यस नो करके, उसका ड्यू डेट दिखना चाहिए, उसमें ओवर ड्यू कितना दिन का हो गया, वो सारा डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका एजिंग बिल इन डेज करके दिखते रहेगा, कितने दिन का आपका ओवर ड्यू हुआ है, कितना क्या है, ठीक है। अब बाकी मास्टर्स में अपन क्या चेंजेस कर सकते हैं एमएसएमई को लेके, जैसे यहाँ मैंने एक मास्टर ओपन कर लिया है, ये अपना लेजर है नॉर्मल लेजर। अब इसमें भी अपने को F12 करके पहले तो यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल को यस कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में जो जीएसटी डिटेल जहाँ पे अपन डालते हैं दोस्तों, उसी के नीचे में ही आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल डालने का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ भी सेम वही चीज़, आप स्मॉल है, माइक्रो है, उसका नंबर वगैरह डाल सकते हैं। डाल के इसको सेव कर देंगे, आपका लेजर के अंदर में एमएसएमई डिटेल अपना डल जाएगा। अब यहाँ पे स्टेचरी रिपोर्ट में आपको अलग से एमएसएमई रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आप उनका ग्रुप ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं, किसी एक लेजर का आपको जिसका चेक करना है, या तो पर्टिकुलर सभी लेजर्स का चाहें तो सभी लेजर्स का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो टैली ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहीं से अगर किसी का डिटेल अपडेट नहीं है, किसी का नंबर नहीं डला हुआ, तो वो भी आप एंटर करके यहीं से अपडेट कर सकते हैं, माइक्रो है क्या है, उसका उद्यम नंबर क्या है, तो सारा का सारा डिटेल आपका यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे चाहें तो मल्टी अल्टर में जाके बाकी डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी अल्टर में चले जाएंगे, अब यहाँ पे उसका क्रेडिट पीरियड क्या है, क्रेडिट पीरियड डाल दीजिए, उसका उद्यम नंबर क्या है जिसका जिसका नहीं डला हुआ है, उसका इंटरप्राइज टाइप क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, उस सारे का सारा डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं सभी पार्टीज का। तो एक ही बार में आपके सभी डिटेल्स जो है पार्टियों के अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे रिसीवल में, एक बार चल के देखते हैं अपनी आउटस्टैंडिंग कितनी लेनी है कस्टमर से। तो ये सभी अपने पेंडिंग बिल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बेसिक ऑफ वैल्यू में चले जाते हैं, फिर से यहाँ पे माइक्रो स्मॉल करके सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शंस अपना यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें अपकमिंग डेज कितने दिन का अपना ड्यू हो रहा है, तो अपन जितने भी दिन का रखेंगे, 10 दिन 15 दिन, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट होकर मिल जाएगा कि भैया ये अपना ऑलरेडी ड्यू डेट जो है, जो माइनस में आ रहा है वो बच गया है, जो ओवर हो गया है ओवर हो गया है अपना। यहाँ पे अपन F12 करके बाकी डिटेल्स भी चेंज कर लेंगे कि अपना कंपनी एज पर कंपनी एग्रीमेंट के हिसाब से कितना केस का क्या आ रहा है, क्योंकि अभी जो नियम आया दोस्तों कि अगर 45 डेज का एग्रीमेंट है तो उसी के अंदर में ही पार्टी को पेमेंट करना है, उससे ओवर होता है 30% आपको उसमें चार्ज वगैरह लग जाता है। तो इसलिए एमएसएमई वालों के लिए ये ठीक है कि वो लोग अपना इससे बिल वगैरह सब कुछ निकाल पाएंगे, उनको रिसीवल क्या कितना लेना है, कितने दिन का क्या चीज़ें उनकी पेंडिंग हो गई है, सारा डिटेल मिल जाएगा। कस्टमर से मांग सकते हैं भैया कि आपका ओवर ड्यू हो रहा है, देख लो कैसा करना है। वैसे ही बाकी भी जगह आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे एमएसएमई रिपोर्ट, बाकी स्टेचरी के अंदर आ ही रहा है, तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब इसमें एमएसएमई जो स्टेटमेंट है फॉर्म 1 का, इसको आप प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें आपको एक एमएसएमई फॉर्म 1 इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। अब जो भी पार्टी के डिटेल है यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा कि उसने क्या क्या कौन सा पार्टी है दिख जाता है दोस्तों। तो यहीं से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, अपना फॉर्म 1 सबमिट कर सकते हैं कितने पार्टियों को भैया पेंडिंग है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द, बस नेक्स्ट वीक में ही आपको टैली 4.1 मिलने वाला है। और भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी आने वाले अपडेट्स का सारा अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।